सिक्किम की फेमस डिश बन थुपका बनाने के लिए सबसे पहले हम अवॉल बनाते हैं, चाहे तो इसे हाथ से बना ले या फिर किसी आप किसी टूल से भी बना सकते हैं, जैसे कोई शेप से बना लीजिए। इसको बनाना थोड़ा सा आसान नहीं होता, तो आप इसका कुछ टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे हाथ से ड्रॉ किया, फिर उसके बाद अंदर एक लाइन डालेंगे कर्व से, इससे प्लेट की पूरी शेप और उसके अंदर चीज़ें जो होंगी उधर हम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स के जो टुकड़े होते हैं उनको ड्रॉ करेंगे, जैसे कि कैरेट स्लाइस। फिर इसके बाद हम इसके अंदर धनिया धनिया के शेप के पत्ते जो होते हैं, जो उसमें मेन डिश में डाले जाते हैं, उनको हम ड्रॉ करेंगे। इनको हम पतले ब्लैक पेन के पेन से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको थोड़े बहुत बनाने पड़ेंगे, जिनको हम जगह जगह जो हम बिखरे रहते हैं, तो हमें इस पर सबसे पहले हम धनिया के ड्रॉ किया इन्हें, फिर ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इन्हें, क्योंकि एक जगह तो होंगे नहीं, कुछ पत्ते इधर उधर बिखरे होंगे, तो इनको मैं पूरा ड्रॉ करूँगा। जिगजैग होती है धनिया की पत्तियाँ, तो हमने जिगजैग करके बनाया है इन्हें थोड़ा सा। फिर मैंने ये थोड़ा सा कॉलीफ्लावर के ग्रीन कॉलीफ्लावर जो होती है उसको बनाया है मैंने, ये भी इसके अंदर डली होती है इंग्रेडिएंट्स के अंदर। इनके शेप्स को मैंने तैयार किया है ब्लैक पेन से ही। फिर ये दोबारा कैरेट का मैंने एक स्लाइस और डाला। फिर इसको डालने के बाद छोटे छोटे स्लाइस डालने के बाद कैरेट के छोटे छोटे और अलग पीस जो डिज़ाइन में कटे हुए हैं इनको मैं बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा स्क्वायर की तरह नज़र आते हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा पोर्शन देखिए इसके अंदर थोड़ा हाइट है, तो मैंने उसको नीचे की तरफ बनाया है। फिर इसको पूरा, फिर मैंने लंबी लंबी जो स्लाइसिस हैं कैरेट की, ये भी मैंने थोड़ी सी जो इस डिश के अंदर डलती हैं, इनको भी मैंने ड्रॉ किया ब्लैक स्केच पेन से ही इसकी मेन। फिर मैंने दोबारा एक और मैंने गुच्छा बनाया जो ग्रीन वेजिटेबल का है। फिर उसके बाद मैंने इसे ब्लैक पेन से थोड़ा सा हल्का सा शेप दी है प्रॉपर, इस तरीके से पूरा शेप ढंग से हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट स्केच से बना रहे हैं तो गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रख सकते हम। तो हम इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है ये लगभग मैंने, थोड़ा बहुत इसे मैं वो करता हूँ सुधारना है थोड़ा सा, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ इसे। ये पूरा का पूरा एक बॉल तैयार हो गया है, जिसके अंदर अब मैं जो धनिया है धनिया की पत्तियाँ हैं उनके अंदर मैं लाइट ग्रीन पहले मैं करूँगा। लाइट ग्रीन कलर कर लीजिए आप, स्केच से कर लीजिए, चाहे तो आप इसे ऑयल पेस्टल से किसी भी कलर से बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास ये कलर नहीं है तो आप नहीं बना सकते। इन्हें मैंने ग्रीन के लिए मैंने लाइट ग्रीन यूज़ किया है, इसे मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। इन्हें मैं जो भी मैं इनमें कलर कर रहा हूँ, ये जहाँ जहाँ मेरे को लगता है ये ग्रीन होना चाहिए मैं उधर ग्रीन कर रहा हूँ। एक ग्रीन पोर्शन पहले सबसे पहले मैंने पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने रेड कलर लिया और उससे मैंने साइड साइड के जो ओनर्स हैं उनके अंदर मैंने रेड कलर किया। फिर उसके बाद मैंने हल्का सा ऑरेंज कलर डाला, और क्योंकि ये ऑरेंज कैरेट है और एक रेड कैरेट है, दोनों पीसीज अलग अलग स्लाइस में अलग अलग डिज़ाइन में कटे हुए हैं, तो ऊपर के पोर्शन को लाइट रखा है, नीचे है तो थोड़ा शेडो आएगा तो डार्क हो जाएगा, उसके लिए मैंने रेड स्केच पेन को यूज़ किया है। ये मैंने उसके अंदर साइड साइड में इसकी बॉर्डर में रेड डाला है, जिससे कि 3D लगे थोड़ा सा और चमकदार लगे हमारी ड्राइंग। फिर उसके बाद मैंने ये जो रेसिपी की जो करी होती है उसको मैंने थोड़ा सा जो हम येलो से ज़्यादा डार्क होता है, थोड़ा सा डार्क येलो है, उसको मैंने पूरा करी के अंदर के लिए यूज़ किया है। इसे मैंने जिस तरीके से करी की शेप होती है उसी तरीके से आपको स्केच को चलाना है और पूरा का पूरा इसे फिल करना है, एक एक कोने को फिल करना है। हल्का छूट भी जाए कभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे एक नेचुरल थिंग आती है, क्योंकि कुछ करी पे अगर लाइट पड़ रही है तो वो थोड़ा सा लाइट भी नज़र आएगी, पूरी प्रॉपर तो वो डार्क येलो के अंदर नज़र नहीं आएगी। तो इसको मैंने ये पूरा कंप्लीट किया, ये मैं जहाँ जहाँ पे मेरे को डार्क लग रहा है मैं वहाँ वहाँ पे थोड़ा सा इसे दोबारा फेर रहा हूँ, जिससे कि जो येलो है वो और डार्क नज़र आए, करीब थोड़ा सा अच्छी नज़र आए। थोड़ा डार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि ये करी का कलर इसी तरीके का होता है। इस डिश को थुपका डिश है, ये सिक्किम की फेमस डिश है। फिर उसके बाद मैंने ये
फ्लूट पैन उठाया और इससे मैंने नूडल्स की शेप दी है, क्योंकि ऐसे अगर आप निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप फ्लूट यूज़ करते हैं तो आसानी से इसका इम्प्रेशन दे सकते हैं। थोड़ा सा राउंड करें इसके अंदर, जैसे स्प्रिंग टाइप से होता है वैसे राउंड करें। कॉर्नर्स को शार्प ना रखें, क्योंकि नूडल्स के अंदर शार्पनेस नहीं होती है, उनके अंदर स्मूथनेस राउंड कर्व टाइप से होता है। तो इसे मैंने पूरा का पूरा कर्व टाइप से मैं शेप दे रहा हूँ। इसे थोड़ा सा ढंग से चलाएं जहाँ जहाँ पे है, तो ये नूडल्स का थोड़ा सा लुक आ गया है। अब मैंने इसके साइड साइड के किनारियों पे मैंने थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर जो है उससे मैंने नूडल्स की जो किनारे हैं उनको डार्क किया है, ताकि नूडल्स इन्हेंस हो सकें, उठें, दिखाई दें ढंग से। इन सभी कॉर्नर्स पे इसके जितने भी कॉर्नर्स किनारियां हैं उन पे मैंने डार्क कलर करा है। चाहे तो आप ब्राउन कर लीजिए, चाहे हल्का सा डार्क रेड कर लीजिए, आपका जो लगे। थोड़ा सा डार्क करना है, प्रॉपर ब्लैक कलर यूज़ ना करें, नहीं तो ड्राइंग ख़राब होने का थोड़ा सा ज़्यादा डर रहता है। तो मैंने इस तरीके से अपने इनके सभी कॉर्नर्स को लिख रहा है, देख के जहाँ जहाँ पे ज़्यादा उसमें नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा लाइट करते हुए छोड़ते हुए चलना, ताकि नेचुरल लगे बिल्कुल, और हमारा जो डिश का है जो उभर के आए नूडल्स बिल्कुल क्लियर। फिर मैंने हल्का येलो लिया और जहाँ पे मैंने फ्लूड लगाया है उन पे हल्का हल्का मैंने इस पर पैच लगाया, ताकि क्योंकि नूडल्स पे थोड़ी करी गिरेगी तो वो भी येलो हो ही जाएंगी, प्रॉपर तो वाइट नज़र आ नहीं सकती है। तो कहीं कहीं से नूडल्स ज़्यादा निकले हैं तो वाइट नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ करी में डूबने के बाद वो पीले नज़र आएंगे। तो ये डिश की पूरी करी और नूडल्स जितने भी तैयार हो गया है। अब मैंने प्लेट के लिए डार्क लाइट ग्रे कलर को यूज़ किया, जिसको मैंने कर्व से स्ट्रोक मारते हुए मैंने प्रॉपर प्लेट की शेप दी है, ताकि वो पूरी डीप लगे, बढ़िया लगे, क्योंकि इसी से एकदम 3D लुक आएगा। और इसको देने के बाद ये मैंने प्रॉपर कर दिया है इसे। ये कलर आप जब दीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करिए, नीचे से थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा, शेडो भी आएगी, तो शेडो अब इधर थोड़ा सा लाइट भी होगा, कहीं कहीं पे लाइट भी पड़ रही होगी, जो हमारा वेसल है, बर्तन है, उस पर कहीं ना कहीं से लाइट पड़ेगी, जब ही वो उसका नेचुरल लुक आ पाएगा, जो एकदम 3D नज़र आएगा, जो रियलिस्टिक है, वो इन्हीं चीज़ों से आप प्रॉपर इसे बना सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने फ्लूड से देने की कोशिश करी है पूरा 3D लुक। ये देखिए, जहाँ पे फिर मेरे को ज़्यादा डार्क लग रहा है मैं वहाँ पे डार्क भी किया है मैंने, क्योंकि नीचे से वेसल का पोर्शन है तो वो थोड़ा सा डार्क नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है, जहाँ लाइट है मैंने वहाँ लाइट डाली है। इधर अंदर जो प्लेट के अंदर का पोर्शन है उधर लाइट कम पड़ेगी, तो मैंने उधर डार्क रखा है ज़्यादा। तो आप भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और देखें और ड्राइंग को पूरा करें जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। और मैंने ये पूरा वेसल तैयार कर लिया है। अब मैं नीचे की तरफ थोड़ा बर्तन का शेडो दूंगा, ताकि थोड़ा सा शेडो नज़र आए, क्योंकि बर्तन जहाँ पर है वहाँ उसके नीचे के पोर्शन पर लाइट नहीं पड़ रही होगी, वहाँ डार्क होगा। तो मैंने इसमें डार्क ब्राउन कलर है उसे यूज़ किया है। प्रॉपर मैंने ब्लैक इसलिए भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि पहले हम जहाँ जहाँ पे लाइट कलर है थोड़ा सा प्रॉपर पूरा ब्लैक तो हो नहीं जाएगा, लाइट थोड़ी सी हर जगह आएगी, तो ब्लैक जो होगा वो हल्का ब्राउन नज़र आएगा। और भी आप इसमें ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हैं डार्क के लिए, डार्क बनाने के लिए। ब्राउन के अंदर अगर आप डार्क ब्लू करते हैं तो ब्लैक हो जाता है। और ये मैंने इस बर्तन की जो शेडो है वो इस तरीके से लाइट उसके मतलब राइट हैंड साइड से पड़ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड को उसकी पूरी शेडो बन रही है। तो ये देखिए, पूरे की पूरी डिश तैयार हो गई है। और ये सिक्किम की फेमस डिश है का डिश, जिसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में बनाइए। और अगर मेरी ड्राइंग आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं ड्राइंग्स अक्सर बनाता रहता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।